हेलो गाइस, टैरोट विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या मैसेजेस दिए जा रहे हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या मैसेजेस दिए जा रहे हैं। ये एक बात मैं नोटिस कर रही हूँ, ये दोनों कार्ड जो है ना वो साथ में आ रहे हैं। आपको मिरर नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, 1221 ऐसे, या फिर 1441 ऐसे मिरर नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर देखो, एक बात बहुत क्लियर है गाइस कि किसी तरीके का कोई अप्रिशिएशन आपको मिलने वाला है, किसी तरीके की कोई प्रसन्नता जो कहते हैं ना वो आपकी होने वाली। देखो यहाँ पर एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि आपको कहीं ना कहीं आपकी मेहनत का कोई फल आपको मिलने वाला है। ओह माय गॉड, दो कार्ड्स आए हैं, दोनों लेते हैं। आपका मेहनत का फल जो आपने बहुत प्रयास किए, बहुत कोशिशें की है अपनी जी जान लगा कर, वो मेहनत का फल आपको मिलते हुए नज़र आ रहा है गाइस। आपकी प्रसन्नता बहुत होते हुए या फिर आपको किसी तरीके का कोई रेस्पेक्ट या फिर अवार्ड कहते हैं ना वो मिलता हुआ नज़र आ रहा है। एक आइडियल की तरह आप लोगों की नज़रों में आने वाले हो, या फिर कह सकते हैं कि सबकी निगाहें आप पर ठहरने वाली है। कुछ तो आप बड़ा करने वाले हो गाइस, किसी बात को लेकर कोई एक्शन आप लेने वाले हो जिसके बारे में आपने बहुत गहरे से सोचा है, या फिर कोई काम आप स्टार्ट कर रहे हो और उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, और सक्सेस मिलेगी तो वो भी बड़ी अच्छी ऊंची सक्सेस मिलेगी जो आपके लिए अबंडेंस लेकर आए। यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगी, जैसा मैंने कहा ना मिरर नंबर आपको नज़र आ रहे हैं, मिरर नंबर के साथ साथ आपको 444 और 444 डेफिनेटली नज़र आ रहे हैं। ये यही कहा जा रहा है कि जो भी आप सोच रहे हो ना कोई काम को लेकर, और अगर उसे कर लेते हो तो उसमें डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। और ये थिंक आपके दिमाग में भी आ रहा है कि मैं आप कुछ काम करना चाहते हो और उस पर आप एक्शन भी लोगे। देखो ये बात क्यों कह रही हूँ मैं, यहाँ पर एकदम क्लियर स्टोरी टाइप बात आई है। कैसे कि देखो, पैसों का लॉस तो आपको कैसे भी करके हुआ है, या फिर ये कह लो अभी कि अभी आपको फाइनेंशियल तौर पर सिक्योरिटी की बहुत ज़रूरत है या फिर सेफ्टी चाहिए, वो अभी आपके पास है नहीं। आपको इस मामले में जस्टिस चाहिए कि कैसे भी करके आप अपना फ्यूचर सेफ कर लो, कोई रास्ता ऐसा मिल जाए या फिर कोई आइडिया ही आपके दिमाग में ऐसा आ जाए जो अभी चल रहा है। ऐसा पक्का पता है कि आपके दिमाग में कोई काम करने का आइडिया चल रहा है और उसी काम में आपको एंजल्स, ये आइडिया आपके दिमाग में खुद नहीं आ रहा है, एंजल्स आपके दिमाग में ये आइडिया लेकर आ रहे हैं और ये काम करना गाइस, आप इसमें आपको सक्सेस मिलेगी, आपको जस्टिस मिलेगा। जस्टिस कैसा होगा कि आपको इस सिचुएशन से इस सिचुएशन में लेकर आएगी, आपको अबंडेंस मिलेगी, आपकी एनर्जी जो है ना वो बैलेंस में आ जाएगी, आपको लोग अप्रिशिएट करेंगे। कॉर्नोकोपिया का कार्ड आना मीन्स एक बहुत बड़ी सक्सेस और एक हैप्पीनेस, जो यहाँ पर भी हैप्पी फैमिली का कार्ड, एक हैप्पीनेस आपको मिलने वाली है। काम में सफलता कहते हैं ना,
बिग सफलता, सफलता भी नहीं, अच्छी सफलता, बड़ी सफलता वो आपको मिलने वाली है। 4-4 और 444 का मतलब यही होता है। देखो 4-4 हमें ये बताते हैं कि थोड़ा संघर्ष है जी, थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा ही कहूँगी संघर्ष है, और संघर्ष भी कुछ ऐसा है जहाँ पर हेल्प भी नहीं है, फैमिली की भी नहीं है। आपको अकेले अपने राह पर चलना है, आगे बढ़ना है, यहाँ पर आपके पास इनकम भी कम है और फिर भी आपको मेहनत करनी है, लेकिन आपके पास तरीका ही वो आएगा जहाँ बड़ी सक्सेस हासिल कर पाओगे। ये डेफिनेटली है गाइस, ये नहीं सोचना कि मैम ऐसे ही कुछ बता रहे हैं, ना, ये ऐसा आपकी लाइफ में होगा, डेफिनेटली होगा। और जहाँ सपोर्ट की ज़रूरत है ना, हर मोड़ पर यूनिवर्स देखना, एंजल्स देखना, आपके लिए सपोर्ट खड़ा कर देंगे। मतलब सच कहो ना तो यहाँ पर सिर्फ आपको यही कहा जा रहा है कि आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, आगे आपका हाथ पकड़कर सक्सेस की ओर, मंजिल की ओर ले जाने का काम खुद यूनिवर्स और एंजल कर रहे हैं, आपको खुद जस्टिस दिलाने का काम वो कर रहे हैं। एंजल्स का सपोर्ट, प्यार आपको बहुत मिल रहा है, ब्लेसिंग आपको बहुत मिल रही है। आप अच्छे कर्मास बहुत करते हो गाइस, यहाँ पर देखो आप में, ये कहते हैं ना नरम दिल है, आप नरम दिल इंसान हो। एक करुणा में कहते हैं ना कि किसी को भी दुखी देखकर दुखी हो जाना, या फिर अगर जैसे कोई रो भी रहा जिसको आप जानते भी नहीं हो तो आपकी आंख में भी आंसू आ जाते हैं, या फिर आपका दिल जो है वो परेशान हो जाता है, वो वहाँ पर खड़े नहीं रह सकते। क्यों खड़े नहीं रह सकते? कि अगर हेल्प कर सकते हैं तो अच्छी बात है, तब तो आपका आपको दिली सुकून बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन जब आपको लगता है ना कि आप हेल्प भी नहीं कर सकते, और ये सिचुएशन मतलब किसी का रोना आपसे देखा नहीं जाता, और आप यही प्रे करते हो, या सिर्फ या आपने ये भी कहा होगा मालिक से कि मालिक या तो अगर मैं हेल्प कर पाऊँ तो ऐसे ऐसे सिचुएशन मुझे दिखाना, वरना मत दिखाना, वरना मेरा दिल जो है दुखी होता है ऐसे किसी को दुखी देखकर। मतलब आप में प्यार बहुत है लोगों के लिए, यही प्यार आप अपने लिए भी रखो, अपनी पर्सनैलिटी पर भी। खुद को भी दुखी नहीं करना, आप खुद के बारे में भी सोचना। जस्टिस आप पहले अपने साथ करो, आपके साथ डेफिनेटली मालिक करेंगे, ठीक है ना। एंजल ऑफ लव, एंजल्स का आपको भरपूर प्यार मिल रहा है, भरपूर कॉर्नोकोपिया। देखो यहाँ पर कार्ड्स आपको समझना, यहाँ पर जितनी भी मेहनत की है ना, वो मेहनत का तेज कहते हैं ना, आपके चेहरे पर आने वाला है। आपको वो सक्सेस मिलेगी जो डेफिनेटली मैं कह सकती हूँ कि आपने भी नहीं सोची है कि एकदम मालिक कहाँ से कहाँ आपको पहुँचा दे। एकदम कहता ना लाइफ में आपको सीढ़ियाँ चढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई ब्लेसिंग आपको ऐसी मिलने वाली है जो एकदम आपके लिए लिफ्ट का काम करेगी, और ये आपको लगेगा मेरी लाइफ में मिरेकल हुआ। ये देखो डोर टू स्पिरिट, बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि मेरी लाइफ में मिरेकल हुआ और मेरी सारी प्रॉब्लम्स को, जो भी फाइनेंशियल तौर पर है ना, वो तो सारी प्रॉब्लम्स ही ख़त्म हो गई, और ये होगा, डेफिनेटली होगा। आपका लॉस हुआ है फाइनेंशियल तौर पर, चाहे किसी भी तरीके से हुआ है, लेकिन हुआ है, लेकिन उसकी भरपाई जो है ना कई गुना ज़्यादा होकर लौट कर आपको मिलेगी। या ये कह लो कि अगर किसी ने आपका हक छीनने की कोशिश की है, कोई हो सकता है प्रॉपर्टी का मैटर हो, वहाँ पर हक छीनने की कोशिश किया, तो उससे कई गुना ज़्यादा आपको मिलेगा, या उसी मामले में आपके साथ जस्टिस होगा, लेकिन आपके हाथ खाली नहीं रहने वाले, ये पक्का है। तो खुश हो जाओ, दुखी नहीं होना, जितना हो सके ना तो पॉजिटिव सोचने की कोशिश करना, ये नेगेटिविटी अपने दिमाग से, दिल से निकाल देना कि लाइफ में इतना गलत हो गया तो और क्या गलत होगा, अब कुछ गलत नहीं होगा। एंजल्स का प्यार सपोर्ट है आपके साथ, है ना। आपकी मंजिल क्या है? कॉर्नोकोपिया, एक बड़ी सक्सेस जो आपको मिलकर रहेगी, ठीक है ना। और देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं, यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। ये कन्फर्मेशन है गाइस, क्योंकि ये कार्ड मैंने काफी बार नोटिस किए, दोनों साथ आ रहे हैं, ये कन्फर्मेशन है।
किंग ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, टॉवर। देखो ये कार्ड, इसके ऊपर टॉवर का कार्ड और जस्टिस का कार्ड। ओके जी, ओके, मालिक को थैंक यू कहना अभी से स्टार्ट कर दो गाइस। बिल्कुल सच कह रही हूँ कि देखना आपकी लाइफ में एक वो मिरेकल होने वाला है जिसकी आप उम्मीद भी नहीं लगाए हुए हो। ये देखो, ये देखो, फाइनेंशियल तौर पर आपको बड़ा ही सिक्योर किया जा रहा है गाइस। सडन रूप से देखना आपकी लाइफ में कोई मिरेकल होने वाला है, जो फाइनेंशियल तौर पर, स्पेशली मैं यही कह रही हूँ, क्योंकि ये क्यों कह रही हूँ मैं बताऊँ आपको, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स ये चाहते हैं कि पहले आप अपने कैरियर पर फोकस करो। जब आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे या फिर आपको किसी तरीके की कोई बड़ी सक्सेस मिल जाएगी ना, उसके बाद में देखना आज से ज़्यादा प्रॉब्लम आपकी वैसे ही सॉल्व हो जाने वाली है। आपका रेस्पेक्ट जो है ना, खुद खुद आपको मिलने लगेगा। आपके, मैंने बताया ना कि कहीं ना कहीं आपकी मेहनत के फल जो है ना, वो आपको मिल रहे हैं। कैसे? कि जो टॉवर मोमेंट आपकी लाइफ में आपने झेले हैं, जो नेगेटिविटी झेली है, जो दुविधाएं झेली है ना, इन सारी सिचुएशन में आपने कहीं ना कहीं अपनी इच्छाओं को दबाकर अपनी साहस रखा है, अपना साहस रखा है, और उसका ही रिवॉर्ड कहते हैं ना कि आपकी लाइफ में वो मिलने वाला, आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होने वाली है। देखो ये टॉवर मोमेंट का मैं कह सकती हूँ कि ये आपकी लाइफ से निकल चुका है। अरे ये मैंने क्यों कहा, यहाँ पे तो फूल का कार्ड आना, यानी एक नई शुरुआत होना डेफिनेटली, जो आपके लिए मान सम्मान और रेस्पेक्ट लेकर आ रहा है। कैसे? आपको सिक्योर करके, आपको इंडिपेंडेंट करके, यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है। हो सकता है, जैसा कि पहले भी मैंने बताया था कि हो सकता है कि आपकी जॉब है या तो वो अटकी हुई है, तो वो आपको मिलने वाली है गाइस। इसकी कंफर्मेशन कई बार आ चुकी है, कई बार आ चुकी है। आप बहुत दुविधा में थे ना कि अब करना क्या है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में खड़े हो कि मतलब इतनी मेहनत करने के बाद में, और जब रिजर्व लिस्ट में आ गए तो आप मन भी नहीं कर रहा कि कोई और जॉब के लिए प्रिपेयर करो खुद को, या फिर कोशिश करो। और ये भी समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या बिजनेस करना है या कुछ और काम करना है, मतलब ना तो आगे बढ़ पा रहे थे ना एक कदम पीछे जा पा रहे थे। तो ऐसे सिचुएशन में आपको करना क्या है? तो यहाँ पर वैसे ही मिरेकल हो रहा है गाइस। ये दुविधा आपकी लाइफ से निकल रही है, क्योंकि आपको एक क्लियर डायरेक्शन मिल रहा है कि आपको करना क्या है लाइफ में, या आपको किस पाथ पर चलना है। वो पाथ क्या है? जिन्होंने भी, ये उनके लिए मैसेज है, जिन्होंने भी गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रखी और उनकी जॉब अटकी हुई है, तो वो आपको मिलने वाली है, जिसकी उम्मीद भी शायद आपको नहीं है, वो डेफिनेटली बहुत जल्द, बहुत जल्द, ठीक है, नवंबर का लग रहा है, मे भी हो सकता है नवंबर तक आपको मिल भी जाए, ठीक है ना। तो ये है आपके साथ, ये नई शुरुआत आपकी लाइफ में हो रही है। किंग ऑफ पेंटिकल, एक राजा की तरह कहते हैं ना, आपको सिंहासन पर बैठा दिया जाएगा, कि कुछ भी आपके पास नहीं था। ये देखो, कुछ भी आपके पास नहीं था, जॉब के लिए नहीं था, जॉब का जो आया वो मैंने बता दिया, लेकिन इसके अलावा भी आपका फ्यूचर जो है वो सेफ किया जा रहा है, कि आपके पास कुछ भी नहीं था और आप, मालिक ने आपको कहता ना आपके लिए एक जैकपॉट, आपको एक जैकपॉट दे दिया वो ऐसा जैकपॉट जो आपकी सारी विश को पूरा कर रहा है। आपको ट्रैवल कर रहे हो, आपको हो सकता है कि कोई ऐसा जॉब का ऑफर है जहाँ पर आपको ट्रैवल बहुत ज़्यादा करना पड़ जाए, तो ये भी, इसके भी चांस लग रहे हैं। आपकी दुविधाएं ख़त्म हो रही है, हो सकता है कि आप कोई डिसीजन लेना चाहते हो और उस डिसीजन को लेकर लेने में आपको बड़ा, बड़ी कहते हैं ना, प्रॉब्लम हो रही थी, या सोच सोच के परेशान हो रहे थे कि आपको क्या डिसीजन लेना है।
तो मैं यही बता दूं कि यूनिवर्स की तरफ से यही आपके लिए गाइडेंस आई है कि आप कोई एक क्लियर पाथ चूज करने वाले हो या कोई एक बड़ा डिसीजन एक्शन आप लेने वाले हो. तो ये है आपके लिए गाइडेंस. और देखते हैं कार्ड्स. मिराकल, देखा, कंफर्मेशन, एस ऑफ पेंटिकल्स और मिरेकल का कार्ड आना. मिरेकल हो रहा आपकी लाइफ में, ग्रोथ होगी. देखो जस्टिस का कार्ड आया, कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड. ग्रोथ होगी आपकी लाइफ में, आपको वो नेम और फेम मिलेगा जो आपने सोचा ही नहीं है. वर्कोहॉलिक, जितनी भी मेहनत की है ना, उन सारे मेहनत के रिवॉर्ड आपको मिलेंगे गाइस. यस, विस्डम. देखो, समझने की कोशिश करना. यहाँ पर ये कार्ड बता रहा है किसी तरीके का कोई कन्फ्यूज़न मे भी हो सकता है, कि कोई काम को लेकर कोई कन्फ्यूज़न है, कि आपको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या काम करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. समझ आपकी ऐसी विकसित हो रही है कि आप एक क्लियर डायरेक्शन को चूज़ कर रहे हो, कि जो आपके हित के लिए, आपके फ्यूचर के लिए बहुत सही है. ठीक है, ओके. खूब सारे मैसेज आ गए. कोई नहीं, ओके जी. देखो, मिरेकल आपकी लाइफ में होने वाला है, वो डेफिनेटली है. ठीक है, इसके अलावा मैं एक बात कहना चाहूँगी कि आपकी लाइफ से कुछ नेगेटिव लोग ऐसे हैं जो आपकी लाइफ को ख़राब कर रहे थे, स्पॉइल कर रहे थे. आपको यही कहा जा रहा है, पेशेंस रखो, धैर्य रखो. आपकी लाइफ से ऐसे नेगेटिव लोग से निकल रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने आपकी लाइफ को ख़राब कर रखा. यहाँ पर एक मैसेज और आया है कि आप हेल्थ को लेकर बहुत परेशान हो, आपको मतलब दुखी बहुत. मुझे कमेंट में भी यही कहा जा रहा है कि मैडम ये बताओ ना कि हेल्थ कैसी रहेगी. तो आपको यही कहा जा रहा है, थोड़ा धैर्य रखो. देखो, ग्रोथ यानी मतलब एक चीज़ कहूँगी कि आपके हेल्थ को लेकर सुधार तय है गाइस. आपको परेशान नहीं होना, दुखी नहीं होना है. आप स्ट्रेस ले लेकर अपनी हेल्थ को और ज़्यादा ख़राब कर रहे हो. आपको दुखी नहीं होना, स्ट्रेस नहीं लेना. आपकी लाइफ में मिरेकल होगा और आपकी हेल्थ बहुत हद तक सुधार हो जाएगा गाइस, हो जाएगा. यूनिवर्स का आशीर्वाद है आप पर, आपको कुछ नहीं होने वाला. ठीक है ना, कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं. यहाँ पर एक बात और क्लियर आई गाइस, कि किसी को आपकी अहमियत नज़र, अहमियत जो है वो फील होने वाली है. मतलब किसी को अपनी गलती का एहसास होने वाला है. ये वही इंसान है जिन्होंने आपको तवज्जो नहीं दी है, या फिर आपको महत्व नहीं दिया, या आपकी कदर नहीं की. मतलब आपको दुखी किया और आप जस्टिस चाहते थे, मतलब इन्होंने आपको रिजेक्ट किया. देखो यहाँ पर एकदम क्लियर आ रहा है कि इन्होंने आपको रिजेक्ट किया और किसी और को चूज़ किया, और यहीं पर आपके साथ न्याय हो रहा है. आपकी लाइफ में एक मिरेकल हो रहा है कि इनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि इन्होंने आपकी कदर क्यों नहीं की, या आपको समझा क्यों नहीं, या आपके साथ गलत बिहेवियर क्यों किया. तो कहीं ना कहीं कोई आपके पास लौटता हुआ या आपसे माफ़ी मांगते हुए नज़र आ रहा है. आपको यही कहा जा रहा है कि ये चीज़ को सोच कर, या इसको स्ट्रेस में ले लेकर इतना ज़्यादा दुखी ना हो, अपनी हेल्थ को ख़राब ना करो आप. ठीक है ना, क्योंकि ये चीज़ आपके बर्दाश्त के बाहर हो रही है और आप बहुत दुखी हो रहे हो. दुखी नहीं होना है,
उनको अपनी गलती का एहसास होगा, वो आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है ना, और बहुत जल्द लौट कर आपके पास आएंगे, ठीक है ना। तो ये आपके लिए मैसेज है, और देखते हैं क्या मैसेज आ रहे हैं। वेल्दी मैन, बैड हेल्थ, देखो सर्विस के ऊपर बैड हेल्थ का कार्ड आया है। हेल्थ ना बिगाड़ो, हेल्थ में सुधार होते हुए नजर आ रहा है, लेकिन अगर यूं स्ट्रेस लेते रहोगे तो फिर हेल्थ पर असर होना ही है। कंसर्न कंसर्न, देखो अनएक्सपेक्टेड इनकम, ओके जी। देखो कहीं ना कहीं आपकी एक्सपेक्टेशन या फिर जिस चीज़ की आपने उम्मीद लगा रखी है ना, वो उम्मीद आपकी पूरी होती हुई नज़र आ रही है। जैसा वो वाला ही मैसेज वापस आया है कि अगर जॉब को लेकर अगर प्रॉब्लम में थे या फिर परेशान हो रहे, तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको वो जॉब मिलकर रहे कि आप दुखी ना हो, ठीक है ना। अनएक्सपेक्टेड इनकम यानी जैसा देखो यहाँ पर ये वाली चीज़ बताई गई कि लॉस हुआ है पैसों को लेकर, वहीं पर आपको कहा जा रहा है कि अनएक्सपेक्टेड इनकम का सोर्स आपको मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड आया है कि कहीं ना कहीं आपके साथ न्याय होता हुआ नज़र आ रहा है, आपको कोई इनकम का सोर्स ऐसा मिलेगा जो आपको फिर से फर्श से अर्श की ओर ले जाएगा, ठीक है ना। आपकी लाइफ में ग्रोथ होगी और बरकतें होगी, ठीक है ना। इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको एक्सेप्ट करो, क्लेम करो और यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक हमारी लाइफ में जल्द से जल्द जस्टिस हो, हमारी लाइफ में मिरेकल हो, ठीक है, और हमारी ज़िंदगी जो है वो आसान हो जाए, ठीक है ना। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कॉमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।